नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक एम्प्लॉयज न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का लेटेस्ट लेटर शेयर करेंगे, जो कि 3 सितंबर का है और ये लेटर यूनियन ने IBA को लिखा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने IBA के सीनियर एडवाइजर को लेटर लिखा है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि पेंशन अपडेशन के मुद्दे पे डिस्कशंस हो और बाकी जो भी पेंशन के रिलेटेड इश्यूज हैं और इसके अलावा जो भी बाकी के इशू पेंडिंग है उन पर डिस्कशन होनी चाहिए। इससे पहले सभी वर्कमैन और ऑफिसर यूनियंस की मीटिंग 22/7 को IBA के साथ हुई थी। ये एक प्रिलिमिनरी मीटिंग थी जिसमें कि डिसाइड किया गया था कि जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं इन्हें फर्दर मीटिंग्स में डिस्कस किया जाएगा। यूनियन ने काफ़ी सारी डिमांड्स भी रखी थी इस मीटिंग में, लेकिन अभी तक डिटेल डिस्कशंस नहीं हो पाई हैं। इसीलिए UFBU ने IBA को लेटर लिखा है और कहा है कि अभी IBA और UFBU को एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 25 अगस्त को एक मीटिंग की थी, जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कशन की गई है। उसी के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने IBA को ये लेटर लिखा है और नेक्स्ट मीटिंग अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। वेज डिवीजन सेटलमेंट के बाद कुछ अलग मीटिंग्स करके बाकी के मुद्दों को रिजॉल्व करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ये मीटिंग ठीक से नहीं हो पाई है और जो भी फर्दर डिस्कशंस होनी है इन इश्यूज पे वो मीटिंग्स में ही हो सकती हैं। इसीलिए वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर यूनियंस ने IBA को न्यू मीटिंग्स अरेंज करने के लिए लेटर लिखा है। जल्द ही IBA और यूनाइटेड फोरम की मीटिंग होगी, जिसमें कि पेंशन के रिलेटेड, पेंशन अपडेशन के रिलेटेड और बाकी के जो भी मुद्दे पेंडिंग बचे हैं उन पर डिस्कशन होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।